यूक्रेन युद्ध के चलते पश्चिमी देशों द्वारा रूस पर लगाए गए बैन से गुजरात की हीरा इंडस्ट्री मुश्किल में पड़ गई है। रूसी हीरे का इंपोर्ट रुकने से देश में रफ डायमंड का इंपोर्ट 29% गिर गया है। न जितना गुजरात के 25,000 हीरा कारीगर बेरोजगार हो गए हैं। काम कम होने से वीकली हॉलीडे 1 से बढ़ाकर 2 और काम के घंटे 8 से घटाकर 6 कर दिए गए हैं। देश में रूस से सालाना 75,000 करोड़ रुपए के रफ डायमंड इंपोर्ट होते थे। इसमें ज़्यादातर स्टॉक पतले डायमंड का होता था। इस तरह का डायमंड दुनिया के अन्य किसी भी देश में नहीं माइन होता है, लेकिन इन पर अब अमेरिकी बैन लग चुका है। यानी रूसी हीरा खरीदने बेचने वाले कारोबारी अमेरिका के साथ कारोबार नहीं कर पाएंगे। वहीं बता दें कि जेम्स एंड ज्वेलरी एक्सपोर्ट प्रमोशन काउंसिल के अध्यक्ष ने कहा कि रूस यूक्रेन युद्ध के कारण गुजरात के 25,000 से अधिक हीरा कारीगर बेरोजगार हुए हैं। सूरत के अलावा नॉर्थ गुजरात और सौराष्ट्र में भी बड़े पैमाने पर रूस के डायमंड पॉलिश होते थे। वहीं बता दें कि अब तक पुराना स्टॉक चल रहा था, लेकिन वह भी अब खत्म हो रहा है। अगर रूस से हीरा इंपोर्ट इसी तरह ठप रहा तो डायमंड कारखाने भी बंद होने लगेंगे। देश में तैयार पॉलिश्ड हीरे में से 3/4 से अधिक हीरा अमेरिका, यूएई और हांगकांग को निर्यात किया जाता है। अमेरिका दुनिया में हीरे का सबसे बड़ा बाजार है। वहीं बता दें कि कोरोना काल में भी यहां से हीरे का मांग घटने के बजाय बढ़ गई थी। ऐसे में हीरा कारोबारी अमेरिका को नाराज नहीं करना चाहते। वहीं सिंथेटिक डायमंड की डिमांड अप्रैल मई 2021 की तुलना में इस साल करीब 8 गुना बढ़ी है। रूस से इंपोर्ट रुकने पर सिंथेटिक डायमंड से डायमंड यूनिट को बड़ा सहारा मिला है। हालांकि इससे कमाई नेचुरल डायमंड की तुलना में कम होती है। ब्यूरो रिपोर्ट, मार्केट टाइम्स टीवी।